नमस्कार, मैं शालू अनुदेशिका राजकीय आईटी इदादरी गौतम बुद्ध नगर से। आज मैं आपको राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे कॉस्मेटोलॉजी व्यवसाय से संबंधित अनवांछित बाल के टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। इसके लिए हम कार्यसूची देख लेते हैं। पहला है हमारा अनवांछित बाल का अर्थ। अनवांछित बाल क्या होते हैं इसके बारे में जानने के लिए हम अनवांछित बाल का अर्थ पढ़ेंगे। इसके बाद अनवांछित बाल हटाने के उद्देश्य, इन्हें हटाने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ये जानेंगे। अनवांछित बाल के कारण, अनवांछित बाल हमारे शरीर पे क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। अगला है हमारा अनवांछित बाल को हटाने की विधियां। अनवांछित बाल जो हमारे शरीर पे होते हैं इन्हें हटाने की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसके अंतर्गत हम अस्थाई विधि और स्थाई विधियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इस सबको करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये जानेंगे। अनवांछित बाल, सुपरफ्लस हेयर। अनवांछित बाल क्या होते हैं? अनवांछित बाल का अर्थ है अनचाहे या अतिरिक्त बाल। इन्हें सुपरफ्लस हेयर भी कहा जाता है। हमारे पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। सुपरफ्लस हेयर का तकनीकी नाम माइपर ट्राइकोसिस है। अनचाहे बालों को हटाने के लिए कई तरीकों का प्रयोग किया जाता है। पुराने समय में लोग जिन चीज़ों का इस्तेमाल बालों को हटाने के लिए करते थे वे अक्सर दर्दनाक तथा त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले होते थे। इसके लिए लोग खुरदुरा पत्थर भी प्रयोग करते थे जिससे त्वचा में जलन तथा इन्फेक्शन उत्पन्न हो जाता था। आरंभ से ही मनुष्य अपनी सुंदरता के प्रति जागरूक रहा है तथा सुंदर दिखने के लिए नए नए प्रयोग करता रहा है। अनवांछित बाल हमारे सौंदर्य को घटा देते हैं, इसलिए अनवांछित बालों को हटाने का उद्देश्य निम्न है। अनचाहे बाल के उद्देश्य, सुंदरता में वृद्धि करने हेतु शरीर को साफ रखने संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्विमिंग की पोशाक तथा छोटी पोशाकों को पहनने हेतु गर्मी के मौसम में पसीने से उत्पन्न होने वाली बदबू को दूर करने हेतु व्यक्ति के प्रोफेशन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनचाहे बालों के कारण। सबसे पहला है हमारे अनचाहे बाल क्यों उत्पन्न होते हैं। पहला है हार्मोन्स के ज़्यादा एक्टिव हो जाने के कारण शरीर पर रोएं अधिक हो जाते हैं। दूसरा है अनुवांशिकता के कारण भी अनचाहे बाल हो जाते हैं। तीसरा, हेयर रिमूविंग का गलत तरीका अपनाने की वजह से भी कभी कभी बाल अधिक उगने लगते हैं। चौथा, हमारा शरीर की साफ सफाई ठीक से ना रखने पर भी अनचाहे बाल उत्पन्न होते हैं। कभी कभी गलत दवाइयों के प्रयोग के कारण भी बाल अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। आइए जानें इन्हें हटाने की कौन कौन सी विधियां हैं। अनवांछित बाल को हटाने की विधियां निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा अस्थाई विधि, दूसरा है हमारा स्थाई विधियां। अस्थाई विधियों के अंतर्गत हमारी दो विधियां आती हैं, एपिलेशन डेपिलेशन। जो हमारी अस्थाई विधियां हैं उनको हमने दो भागों में बांटा है, एक एपिलेशन है और एक डेपिलेशन। एपिलेशन के अंतर्गत वे सारी विधियां आती हैं जिसमें हम किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, और डेपिलेशन के अंतर्गत हमारी वह विधियां आती हैं जिसके अंतर्गत हम
केमिकल का प्रयोग करते हैं। बी है हमारा स्थायी विधियाँ। स्थायी विधियाँ वह विधियाँ हैं जिसमें हम अनवांछित बालों को कुछ अधिक समय के लिए या हमेशा के लिए हटा देते हैं। ये दो विधियाँ हैं जो ज़्यादा प्रचलन में हैं। पहला है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा है हमारा थर्मोलाइसिस विधि। अस्थायी विधियाँ। अस्थायी विधियाँ वह विधियाँ हैं जिसमें बालों को कुछ समय के लिए हटाया जा सकता है। किसी भी अस्थायी विधि का प्रयोग करने के 2-3 दिन बाद बालों की वृद्धि पुनः शुरू हो जाती है। जिन लोगों की स्किन पर बालों की ग्रोथ कम होती है या ना के बराबर होती है, अगर वे अस्थायी विधि का प्रयोग बार बार करें तो कुछ समय के बाद उनकी बॉडी पर बालों का विकास बंद हो जाएगा। अस्थायी विधियों के निम्नलिखित 2 प्रकार हैं। पहला है एपिलेशन विधि। एपिलेशन विधि अनवांछित बालों को हटाने की वह विधि है जिसमें यांत्रिक रूप से बालों को पकड़ा जाता है और उन्हें स्किन से बाहर निकाला जाता है। एपिलेशन विधि के अंतर्गत आने वाली विधियां निम्नवत हैं। पहला है हमारा थ्रेडिंग। थ्रेडिंग बहुत प्रचलन में है और इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि थ्रेडिंग क्या है। थ्रेडिंग विधि ट्विजिंग विधि के ही समान होती है, परंतु इसमें अनवांछित बालों को हटाने हेतु 40 नंबर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में बाल को उसकी विपरीत दिशा में खींचा जाता है जिससे बाल जड़ से निकल जाता है। यह विधि ट्विजिंग विधि की तुलना में अधिक तीव्र होती है। इस विधि का प्रयोग आईब्रो के लिए अधिक किया जाता है, परंतु कभी कभी यह अपर लिप्स, हाथों व पैरों के लिए भी प्रयोग कर ली जाती है। जैसा कि थ्रेडिंग, हम जानते हैं कि हम थ्रेडिंग आईब्रो की शेपिंग करने के लिए, अपर लिप, फोरहेड, चिन के बालों को कुछ समय के लिए हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। कुछ लोग पूरे चेहरे की भी, फेस थ्रेडिंग भी कराते हैं, लेकिन इससे चेहरा हमारा खराब हो जाता है। इसके लिए हम फेस वैक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा थ्रेड के द्वारा ज़्यादा बड़े हिस्से के बालों को हटाना है तो हम उस जगह पर वैक्स का यूज़, फेस पर फेस वैक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगला है हमारा ट्विजिंग। ट्विजिंग की क्रिया ट्विज़र द्वारा की जाती है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित रोम छिद्रों से बाल को पूर्ण रूप से निकालने हेतु प्रयुक्त होने वाली विधि ट्विजिंग विधि कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में सर्वाधिक बेसिक विधि है। इस विधि का प्रयोग करने से स्किन पर बाल 2 से 4 सप्ताह तक नहीं दिखाई देते। ट्विज़र की सहायता से जो हम बालों को निकालते हैं, ये बहुत आसान तरीका है। इसे महिलाएं घर पर भी प्रयोग कर सकती हैं या करती हैं। बस इसकी खराबी ये है कि इसमें एक बार में एक बाल ही निकलता है। इसका प्रयोग हम बालों की दिशा में, बालों को पकड़ के बालों की दिशा में झटके के साथ खींचकर बाल को निकाल देते हैं। इसे प्रयोग करना आसान है। अगला है हमारा वैक्सिंग। मनुष्य के शरीर की त्वचा पर जिस स्थान पर बाल अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं, वहां से उनको हटाने के लिए वैक्सिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। वैक्सिंग के अंतर्गत कोल्ड वैक्स, हॉट वैक्स आदि का प्रयोग होता है। वैक्सिंग विधि के द्वारा बाल 2 से 8 हफ्तों तक, ये हमारे हार्मोन्स पर डिपेंड करता है कि किसी के 2 या किसी के 8 या इससे भी अधिक हफ्तों तक स्किन पर बाल नहीं दिखाई देते। एक बार वैक्स कर लेने के बाद बाल जल्दी नहीं उगते हैं। बार बार वैक्स करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब बाल उगना बंद हो जाते हैं। जिनकी ग्रोथ बहुत हल्की होती है, अधिकतर ऐसे लोगों पर लगातार वैक्सिंग का प्रयोग करते रहने से उनकी ग्रोथ ना के बराबर हो जाती है। घूर्णीय एपिलेटर। घूर्णीय एपिलेटर एक इलेक्ट्रिक रेजर के समान युक्ति होती है जिसमें
एक्टिव हेड के स्थान पर कंपन युक्त तथा घूर्णीय ब्लेड उपस्थित होते हैं। इसके घूर्णीय ब्लेड घूमते हुए अनवांछित बाल को पकड़ लेते हैं तथा खींचकर त्वचा से अलग कर देते हैं। यह विधि 1 से 3 सप्ताह के लिए त्वचा पर से बालों को हटा देती है। इसका प्रयोग सामान्यतः पैरों एवं हाथों के लिए किया जाता है। डेपिलेशन विधि। डेपिलेशन विधि मनुष्य शरीर से अनवांछित बाल निकालने के लिए क्रीम का प्रयोग किया जाता है तथा इसके लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों को डेपिलेशन विधि कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विधियां सम्मिलित हैं। पहला है हमारा सेविंग, दूसरा है हमारा डेपिलेटरी क्रीम एवं पाउडर। शेविंग। शेविंग विधि के द्वारा बाल आसानी से हटाए जा सकते हैं। शेविंग विधि का प्रयोग अंडर आर्म्स तथा पैरों के लिए होता है। इस विधि का प्रयोग अधिकतर पुरुष करते हैं। इस विधि से त्वचा काली पड़ने का डर रहता है। शेविंग के लिए प्रयोग होने वाले रेजर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा मैनुअल रेजर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रेजर। मैनुअल रेजर जो अधिकतर घर पर पुरुष अपने हाथों द्वारा चलाकर प्रयोग करते हैं, वह हमारा मैनुअल रेजर है जो अभी तक प्रचलन में रहा। नई जनरेशन के जो बाल हैं ये स्किन पर से हटाने पर मैनुअल रेजर का प्रयोग करके जब हम स्किन के करीब से बालों को हटाते हैं तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। जो हमारी नई जनरेशन है ये अपने बालों को एकदम स्किन के टच से ना हटाकर ऊपर से बालों को कट करती है, तो इससे ग्रोथ उतनी तेज नहीं होती जितना मैनुअल रेजर प्रयोग करने के बाद होती है। इसलिए नई जनरेशन हमारी इलेक्ट्रॉनिक रेजर का यूज़ करती है और इसी की सहायता से अपने बालों को हटाती है। बस यह त्वचा की सतह से बालों को अच्छी तरह नहीं हटाता। बाकी मैनुअल रेजर अगर हम लगातार प्रयोग करते हैं तो हमारे बाल थोड़े से सख्त भी हो जाते हैं। सेकेंड है हमारा डेपिलेटरी क्रीम एवं पाउडर। अनवांछित बालों को हटाने का एक सरल तरीका डेपिलेटरी क्रीम एवं पाउडर का उपयोग करना है, जिसका प्रयोग अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के मिश्रण में कैल्शियम थियोग्लाइकोलेट एवं पोटेशियम थियोग्लाइकोलेट का प्रयोग किया जाता है जो कि बालों को कमज़ोर बना देता है और फिर आसानी से बालों को हटाना संभव हो जाता है। यह विधि बालों को हटाने में अधिक समय नहीं लेती है। इस विधि से व्यक्ति के हाथों पैरों तथा अंडरआर्म्स के अनवांछित बालों को हटाया जाता है। डेपिलेटरी क्रीम के प्रयोग से जब त्वचा की सतह से बाल हटते हैं तो हमें इसको प्रयोग करने पे किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है, लेकिन इसको प्रयोग करते समय हमें इस पर दिए गए दिशा निर्देशों को अवश्य पढ़ लेना चाहिए और उन्हीं का पालन करते हुए डेपिलेटरी क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। अब आता है हमारा स्थायी विधियां। स्थायी रूप से अनचाहे बालों को हटाने के कई तरीके हैं। स्थायी रूप से बालों को हटाने के लिए क्लाइंट की सहन करने की क्षमता तथा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही विधि का चुनाव करना चाहिए। स्थायी रूप से बालों को हटाने की 2 प्रचलित विधियां निम्न हैं। पहला है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा है थर्मोलाइसिस विधि। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि अनचाहे बालों को हटाने का स्थायी तरीका है। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि में हेयर फॉलिकल को नष्ट कर देते हैं जिससे बाल दोबारा नहीं उगते हैं।
इस विधि में निडल का प्रयोग किया जाता है जिसको हेयर फॉलिकल में डालकर उसमें शॉर्ट इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। प्रत्येक हेयर फॉलिकल में बहुत कम मात्रा में पानी तथा नमक का मिश्रण होता है जिससे ये कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस करंट से हेयर फॉलिकल नष्ट हो जाता है तथा बाल को आसानी से ट्वीजर से पकड़कर खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है। स्थायी रूप से बालों को हटाने की यह सर्वोत्तम विधि है। इस विधि का प्रयोग एक योग्य विशेषज्ञ से ही कराना चाहिए, अन्यथा इस प्रक्रिया से क्लाइंट की त्वचा पर बुरा असर भी पड़ सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि जब हम किसी अनुभवी ब्यूटीशियन से करवाते हैं तो हमें इससे होने वाले खतरे या कोई असावधानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का चुनाव अपनी त्वचा पर करें तो आपके ब्यूटीशियन को इससे संबंधित कितना ज्ञान है इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आगे आता है हमारा थर्मोलाइसिस विधि। थर्मोलाइसिस विधि में हेयर रिमूविंग की प्रक्रिया बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइसिस की तरह ही है। इसमें अंतर यह है कि इलेक्ट्रोलाइसिस विधि में शॉर्ट करंट दिया जाता है तथा थर्मोलाइसिस में उच्च फ्रिक्वेंसी की एनर्जी से हेयर फॉलिकल में करंट दिया जाता है। इसके इलेक्ट्रिक करंट के कारण वहां के टिश्यू को गर्माहट मिलती है तथा यह हेयर फॉलिकल के डर्मल पिला को नष्ट करके केस का विकास बंद कर देती है। हेयर रिमूविंग का यह तरीका इलेक्ट्रोलाइसिस की अपेक्षा कम असरकारक है। यह विधि बालों को 6 से 12 महीने के लिए हटा देती है, कई बार सदैव के लिए भी कुछ बालों को समाप्त कर देती है। इन विधियों में जब भी हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं तो हमें कुछ समय समय पर इसकी सेटिंग लेनी पड़ती है और लगभग 4 से 5 सेटिंग में हमारे बाल हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। सावधानियाँ। अनवांछित बालों को जब हम हटाते हैं तो जिन विधियों का प्रयोग करते हैं तो उससे संबंधित सावधानियों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। पहला है हमारा इन्फेक्शन वाले स्थान पर अनचाहे बालों को हटाने की किसी भी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर क्लाइंट के शरीर पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो हम अनवांछित बालों को हटाने की किसी भी विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे फिर वो दाने हों या कट हो या कोई एलर्जी हो या रैसेस हो, स्वेलिंग हो, ये सारे इन्फेक्शन के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा है हमारा प्लकिंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग करने से पूर्व टेलकम पाउडर अवश्य लगाना चाहिए। जब हम इन विधि का प्रयोग त्वचा पर करते हैं तो हमारे बाल त्वचा से चिपक जाते हैं। अगर हम टेलकम पाउडर लगाने के बाद इन विधि का प्रयोग करेंगे तो हमारी वो विधि अच्छे से पूर्ण होगी और बाल अच्छे से त्वचा से हट जाएंगे। तीसरा है हमारा किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने से पूर्व और बाद में हाथों को अवश्य साफ करें। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को जब किसी भी कार्य को शुरू करना है तो उससे पहले अपने हाथों को कीटाणुनाशक साबुन से अच्छे से साफ कर लेना चाहिए और जब वह कोई भी प्रयोग क्लाइंट पर करती है उसके बाद भी अपने हाथों को अच्छे से कीटाणुनाशक साबुन से साफ करना चाहिए। फिफ्थ, हमारा किसी भी कॉस्मेटिक का प्रयोग करते समय उस पर दिए गए निर्देशों का पालन अवश्य करें। हर कंपनी अपने अपने कॉस्मेटिक को मार्केट में निकालते समय उस पर कुछ दिशा निर्देश लिख देती है जिसका पालन हमको जरूर करना चाहिए। इसलिए हमें कॉस्मेटिक प्रयोग करने से पहले
उसके दिशा निर्देशों को पढ़ना चाहिए और उसी के अनुसार उस कॉस्मेटिक को प्रयोग करना चाहिए। सिक्स है हमारा, वैक्सिंग या थ्रेडिंग करने के बाद 24 घंटे तक ब्लीच ना करें। जब हम वैक्सिंग या थ्रेडिंग करते हैं, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट पार्लर में आता है और उसने वैक्सिंग करवाई है या थ्रेडिंग करवा ली है और उसके बाद वो ब्लीच करने को कहता है, तो आप 24 घंटे तक उसे ब्लीच प्रयोग करने के लिए मना कर दें, क्योंकि जब हम वैक्सिंग या थ्रेडिंग करते हैं तो हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। अब इसके बाद हम अगर ब्लीच करते हैं, क्योंकि ब्लीच में केमिकल मिला होता है जो कि हमारे रोम छिद्रों में अंदर जाने से हमारी त्वचा को किसी भी प्रकार की एलर्जी इन्फेक्शन दे सकता है, कर सकता है, इसलिए क्लाइंट को किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम उसे वैक्सिंग या थ्रेडिंग करने के बाद 24 घंटे तक ब्लीच ना करने की सलाह देंगे। थ्रेडिंग के लिए 40 नंबर का धागा ही प्रयोग करें। जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो एक विशेष प्रकार का धागा प्रयोग होता है, उसे थ्रेड कहा जाता है, जो कि 40 नंबर का होता है, जो हमारे और धागों से बिल्कुल अलग होता है। ये थोड़ी सी मोटाई लिए होता है जिससे बालों को थ्रेडिंग करते समय बालों को पकड़ना आसान होता है और हम अच्छे से सुविधापूर्वक थ्रेडिंग कर पाते हैं। एट है हमारा, थ्रेडिंग करते समय थ्रेड बालों की विपरीत दिशा में चलाना चाहिए। जब हम थ्रेडिंग का लूप तैयार करते हैं तो उसे हमेशा बालों की विपरीत दिशा में चलाना चाहिए, तभी हमारा बाल आसानी से निकलता है। अगला है हमारा आईब्रो शेपिंग, क्लाइंट के चेहरे के अनुसार करें। जब हमारा क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट पार्लर में आता है, तो हम उसके चेहरे के आकार को ध्यान में रखते हुए या उसकी पहले की आईब्रो की शेप को ध्यान में रखते हुए या उसकी पसंद के अनुसार आईब्रो शेपिंग करें। अपनी इच्छा से कभी भी किसी क्लाइंट की आईब्रो शेपिंग ना करें। हमेशा आईब्रो शेपिंग करने से पूर्व क्लाइंट को सजेस्ट कर दें कि उसके चेहरे पे कैसी आईब्रो बन सकती है या कैसी अच्छी लगेगी। जब आपका क्लाइंट आपकी बातों से सहमत हो तभी आप उसकी आईब्रो शेपिंग करें। 10th है हमारा, ब्लीच इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट अवश्य करें। ब्लीच में केमिकल होता है जो हर क्लाइंट की त्वचा पर सूट नहीं करता। अगर आपके पास कोई नया क्लाइंट आता है या पहले से भी आया होता है और अगर आप उसे जानते हैं, तब भी ब्लीच शुरू करने से पहले, ब्लीच का प्रैक्टिकल उसके ऊपर करने से पहले, ब्लीच का एक छोटा सा पैच टेस्ट उस क्लाइंट की त्वचा पर अवश्य कर लें, ताकि उससे होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा को आप पहले ही परख लेंगे तो आपके क्लाइंट की त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अगला है हमारा, उपकरणों को कीटाणु मुक्त करने के बाद ही प्रयोग करें। पार्लर में तरह तरह के क्लाइंट आते हैं, आप उन पर कई तरीके के उपकरण प्रयोग करते हैं। अगर आप एक उपकरण एक से दो क्लाइंट पर प्रयोग करते हैं या किसी भी टॉवल वगैरह और भी सामान अगले क्लाइंट पर प्रयोग करते हैं, तो उस क्लाइंट को पहले वाले क्लाइंट से होने वाला कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके सभी क्लाइंट सुरक्षित रहें, इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप हर क्लाइंट पर जो भी उपकरण प्रयोग करें वो पहले से ही कीटाणु मुक्त हो। अगला है हमारा, एक्सपायरी डेट के कॉस्मेटिक प्रयोग ना करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम पार्लर में बहुत सारे सामान यूज़ करते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे कॉस्मेटिक कभी कभी प्रयोग में ना आने पर उनकी डेट एक्सपायर हो जाती है या फिर हम ध्यान नहीं देते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी किसी भी कॉस्मेटिक का प्रयोग क्लाइंट पर करें तो यह अवश्य देख लें कि उसकी डेट निकल तो नहीं गई है, मतलब उसकी प्रयोग करने की डेट अभी है।
अगर ऐसा है एक्सपायरी नहीं हुआ है कॉस्मेटिक तभी क्लाइंट पर प्रयोग करें, क्योंकि क्लाइंट आपको पैसे देने के लिए आया है, आपसे कोई समस्या वापस ले जाने के लिए नहीं आया है। तो इसलिए आप जब क्लाइंट से पैसे लेते हैं, अपने काम का उससे पैसा ले रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करें। धन्यवाद। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।